नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सेज टू मेटेलिक फेयर्स ऑफ रेडियाई वन सेंटीमीटर एंड थ्री सेंटीमीटर आर गिवन चार्जेस ऑफ माइनस वन इंटू ट्वेंट टू द पावर माइनस टू कोलम एंड फाइव इंटू टेन टू द पॉर माइनस टू कोलम रेस्पेक्टिवली इफ दीज आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर हमें बताना है कि चार्ज फाइनल चार्ज ऑन द बिगेस्ट फेयर कितना होएगा और अपने को चार ऑप्शन दे रखें अगेन सवाल मुश्किल नहीं है थोड़ा सा लंबा कई बार लग सकता है सो so, uh, दो अपने स्फेयर हैं एक स्क्वायर दो स्वेयर एक का रेडियस जो है वो है वन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर दूसरे का रेडियस है थ्री सेंटीमीटर इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है, हमने माइनस वन इंटू टेन टू द पावर माइनस टू और दूसरे वाला चार्ज है उसके ऊपर स्क्र है उसके ऊपर चार्ज दिया फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस टू कोलम और अब हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया अब सवाल ये है कि बिगेस्ट फेयर के ऊपर कितना चार्ज होएगा फाइनल चार्ज हमें बताना है ना इसके ऊपर जो इनिशियल चार्ज है और फाइनल चार्ज है वो यहाँ से है दोनों चार्ज कुछ यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होएगा वो ट्रांसफर तब तक होएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए दोनों का चार्ज बराबर नहीं होएगा लेकिन पोटेंशियल बराबर होएगा सो so, हमें पता है कि हम Q इज ईगल टू सी वी लिख सकते हैं और किसी भी कैपेसिटर का जो C1 कैपेसिटेंस लिखते हैं हम Uh, किसी भी स्फेयर का कैपेसिटेंस जो हम लिखते हैं वो होता है फोर पा एप्सलॉट आर फोर पा एप्सॉट आर किसी भी कैपेसिटर का uh, कैपेसिटेंस सॉरी uh, किसी भी मेटलिक्स uh, फेयर का कैपेसिटेंस होता है सो so, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इसका जो आपका कपेसिटेंस uh, आएगा वो होगा फोर पा एप्सलॉट आर की वैल्यू अभी हम सेंटीमीटर uh, में ही लिख रहे हैं uh, इसको बाद में चलो कन्वर्ट uh, कर लेते हैं माइनस टू ये मीटर में आ गया सी uh, टू जो है ये होएगा फोर पाई एप्स नॉट मल्टीप्लाइड बाय थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस टू ये आपका C1 C2 आ गया नाउ इन दोनों को जब हमने कनेक्ट किया है तो हमारा चार्ज कंजर्व रहेगा इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज है वो सेम रहेगा सो हम लिख सकते हैं Q1 वन प्लस क्यू टू विल बी इक्वल टू क्यू वन डैश प्लस क्यू टू डैश आपका डिस्ट्रीब्यूट इस प्रकार होएगा चीज चार्ज की इनिशियल और फाइनल की टोटल की वैल्यू सेम रहेगी इनिशियल चार्ज है अपना माइनस वन इंटू टेन टू द पावर माइनस टू प्लस फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस टू और जो आपका फाइनल चार्ज बनेगा क्यू इक्वल टू सी वी से उसको आप लिख सकते हैं सी वन मल्टीप्लाइड बाई वी डैश प्लस सी टू मल्टीप्लाइड बाई वी डैश वी डैश आपका फाइनल पोटेंशियल है सो उसके बेसिस पे आपका वी डैश जो आ गया दोनों का सी वन सी टू एड करके ये आ गया फोर पाए नॉट ये हमने कॉमन ले लिया और अंदर बचा इन दोनों का जो हमने ऐड किया तो वन प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाय टेन टू द पावर माइनस टू वी डैश ये आपकी आ, इसकी वैल्यू आ गई सो अपना लेफ्ट हैंड साइड जो बना ये हो गया फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस टू विल बी इक्वल टू फोर पाई एप्सलो नॉट मल्टीप्लाइड बाय फोर इंटू टेन टू द माइनस टू वी डैश Uh, इससे अपना फाइनल पोटेंशियल uh, uh, जो आ गया वो हो गया uh, यहाँ से फोर इंटू टू पावर माइनस फोर ही कैंसिल हो जाएगा ये बन गया फोर पाई एप्सल नॉट ये आपका वी डैश आ गया ना फाइनल उसके ऊपर जो चार्ज बनेगा क्यू टू डैश क्यू टू डैश वो चार्ज होएगा विल बी इक्वल टू सी वी तो उसका कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय वी डैश उसका कैपेसिटेंस है uh, ये वाली वैल्यू हो जाएगी फोर पाई एप्सल नाट मल्टीप्लायड बाय थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय वी डैश यानी कि फोर पाई एप्सल नॉट तो इसकी जो वैल्यू हो गई ये हो जाएगी थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस टू कूलम सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस टू कोलम वुट बी द राइट आंसर